अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा कि अकॉर्डिंग टू दीन इस्लाम, यानी कि जो हमारा दीन इस्लाम है, उसका ये मानना है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो दीन फितरत पे होता है, यानी कि उसका जो दीन होता है वो फितरत पे होता है, यानी कि वो ईमान वाला होता है, मुसलमान होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, यानी कि अपने आप को एक शत ईश्वर, जिसको हम अरबी में अल्लाह सुबहान व तआला कहते हैं, तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो अपने आप को अल्लाह सुबहान व तआला के हवाले कर देता है और वो फितरत इस्लाम पे होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जो उसके वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, वो उसको अपने दीन के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में बच्चा वो दीन इस्लाम पे, दीन फितरत पे पैदा होता है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इसमें जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, या जो बच्चे को पालते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। आइए देखते हैं। जरी ने आमज से, उन्होंने अबू सालेह से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई विलादत पाने वाला नहीं मगर वो फितरत ही पर पैदा हुआ है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी और मुशरिक बना देते हैं। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर वो उससे पहले मर जाए? आपने फरमाया, अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है कि बड़े होकर वो बच्चे क्या अमल करने वाले थे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 6758। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हदीस की रोशनी से ये पता चलता है कि जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो वो फितरत पे होता है, यानी कि दीन इस्लाम पे होता है। बाद में उसके जो उसके माता पिता होते हैं, माँ बाप होते हैं, वालिदैन होते हैं, वो उसको चाहे तो ईमान वाला बनने दें, चाहे तो मुसलमान बनने दें, चाहे तो उसको कोई किसी दूसरे जो आस्था है, अकीदा है और दूसरा जो मज़हब है, धर्म है, उस पर उसको फॉलो करवा दें, उसका कन्वर्जन करवा दें। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चा दीन इस्लाम पे पैदा होता है। तो ये हमारे दीन इस्लाम का मानना है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने जिसको भी पैदा किया है वो फितरत पे पैदा किया है, यानी कि दीन इस्लाम पे उसको मुसलमान पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है कि अगर कोई बच्चा जो फितरत पे पैदा हुआ है, यानी कि दीन इस्लाम पे पैदा हुआ है, अगर वो बचपन में ही बालिग होने से पहले अगर वो मर जाए, फौत हो जाए, तो उसका मामला क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो बच्चा बड़ा होके वो कैसा होता, कौन से दीन को फॉलो करता, क्या वो वाकई अकीदे तौहीद पे रहता या वो मुशरिक बन जाता, उसके हिसाब से अल्लाह सुबहान व तआला फ़ैसला करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।